दिल्ली ने जुलाई के महीने में कोरोना वायरस की रफ्तार पर काबू पाना शुरू कर दिया था, मगर पिछले कुछ दिनों से फिर नए मामलों की संख्या बढ़ रही है। शनिवार को देश की राजधानी से 1404 नए मामलों का पता चला और 16 मरीजों की मौतें हुई। हालांकि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का कहना है कि राजधानी में कोविड मामलों का ट्रेंड कम हो रहा है। उन्होंने मामले बढ़ने के पीछे बाहरी लोगों को जिम्मेदार ठहराया। तो पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे थे कि भाई नंबर ऑफ बेड्स ऑक्यूपेंसी कम नहीं हो रही है, 10-12 दिन से स्टैटिक था। तो उस डाटा को चेक किया गया तो ऑफ लेट, जैसे मैं कल का बताता हूँ डाटा आपसे, 97 पेशेंट जो एडमिट हुए वो दिल्ली से बाहर के थे और 224 पेशेंट दिल्ली के थे, मतलब लगभग 30-35% पेशेंट जो थे वो दिल्ली से बाहर के एडमिट हो रहे हैं। तो कई लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई अब तो हॉस्पिटल में एडमिशन कम नहीं हो रहे हैं। अब हॉस्पिटल में एडमिशन कम ना होने का कारण है कि दिल्ली से बाहर के बहुत पेशेंट आ रहे हैं, 30-35% पेशेंट बाहर से आ रहे हैं। इसके अलावा कल एक न्यूज़ ये भी चली कि भी दिल्ली में फिर से 1400 केस हो गए हैं। काफ़ी बड़ी संख्या में लोग दिल्ली से बाहर से, गाजियाबाद से, नोएडा से, फरीदाबाद से आके दिल्ली में टेस्ट करा रहे हैं। तो उसके टेस्ट कराने की वजह से वो काउंटिंग दिल्ली की बढ़ जाती है। तो जब हमारे लोग अगले दिन चेक करने के लिए घर पर जाते हैं, बड़ी संख्या में लोग मिलते ही नहीं, वो कहते दिल्ली से बाहर रहते हैं। काफ़ी सारे लोग ऐसे मिल रहे हैं जो तो दिल्ली से बाहर रहते हैं। तो अभी जो दिल्ली का ट्रेंड है वो कम हो रहा है। हॉस्पिटल एडमिशन्स भी अभी जो ट्रेंड था कि काफ़ी कम होने थे चाहिए थे, थोड़े से इसीलिए बढ़ रहे हैं, मतलब कम नहीं हो रहे हैं क्योंकि बाहर के पेशेंट 30-35% हो रहे हैं और बड़ी संख्या में पॉजिटिव केस भी बाहर के आ रहे हैं।